ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। मकर संक्रांति यानी कि खिचड़ी का पावन पर्व आ गया है और मेरी तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, उसके दिन की शुरुआत दवा खाने से होती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस आपको तिल के कुछ दाने लेने हैं, छोटा सा उपाय करना है मकर संक्रांति के दिन, और आपके घर से हमेशा के लिए बीमारी दूर ज़रूर होगी। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, आवाज़ जो भी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। देखो, ये उपाय सबसे आसान है बीमारी के लिए, सबसे आसान है। क्या करना होगा, बस एक चुटकी आपको लेना होगा काला तिल। एक चीज का ध्यान रखना, इस काले तिल में एक दाना भी सफेद तिल नहीं आना चाहिए, हमें एक चुटकी काला तिल लेना है। अब उस एक चुटकी में 17 दाने आ जाएं, 20 दाने आ जाएं या फिर 100 दाने आ जाएं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक चुटकी काला तिल लेना और उस काले तिल को लेकर पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास। कब जाओगे, प्रदोष काल में, जब सूर्यास्त जैसे ही होता है उसी टाइम पे महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना, ठीक है। जल वगैरह अभी नहीं चढ़ाना है आपको, आपको बस सादा काला तिल लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना, ठीक है। पहुंच करके क्या करोगे, आप वहां पर उस काले तिल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर हाटकेश्वर महादेव, एक बार नाम और बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर के, और जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है उसका स्मरण करते प्रार्थना करके महादेव से कि यह तिल मैं समर्पित कर रही हूं या फिर कर रहा हूं, हमारे घर से इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा बीमारी है, आप इसकी बीमारी को हर ले महादेव। हाटकेश्वर महादेव के नाम से उस तिल के दानों को समर्पित कर देना, ठीक है। समर्पित किया, उसके बाद वहां पर अभी जल वगैरह नहीं समर्पित करना, ऐसा नहीं कि कोई आके जल चढ़ा दे, नहीं, आप ऐसे मंदिर में जाओ जहां बिल्कुल शांति हो, क्योंकि हमें बिल्कुल सूखा सूखा तिल चाहिए। चढ़ा दिया, उसके बाद वहां पर बैठ करके 2 मिनट तक एक रुद्राक्ष की माला लेके जाना, ठीक है, और एक माला आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का बोलना होगा। कितनी माला, एक माला रुद्राक्ष की माला से एक माला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का वहां पर बैठ के करना होगा, और उसके हाटकेश्वर महादेव के नाम से जो तिल आपने यहां पर चढ़ाई है, इस तिल को आपको वहां से उठा लेना है, ठीक है। उठाने के बाद क्या करोगे, आपको फिर एक लोटा शुद्ध जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करना, ठीक। देखो, अब जो तिल आपने यहाँ से उठाया है बिल्कुल सूखा सूखा, जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, जो भी व्यक्ति बीमार चल रहा है, उसको क्या करोगे, डेली जैसे मकर संक्रांति को इस उपाय को करोगे, तो उसके अगले दिन से ही आपको क्या करोगे, एक एक दाना उस व्यक्ति को खिलाते जाना है। सुबह के टाइम जब वो सो करके उठे, आप उसको एक दाना तिल का दे दें, हाटकेश्वर महादेव के नाम से आप उसको खिला देंगे। यकीन मानिए, जब तक वो तिल का दाना वो व्यक्ति खा लेगा ना, मतलब मान लीजिए कि आपने 17 दाने चढ़ाए, आपने 20 दाने चढ़ाए, तो जैसे ही 20 दिन पूरे होंगे आपको खुद नजर आएगा कि उसकी बीमारी पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई है। एक चीज का ध्यान रखेंगे, दवा छोड़ने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेंगे, ठीक है, बिना डॉक्टर की सलाह के दवा बंद नहीं करेंगे, ठीक। तो मैंने कोशिश की आप सबको बहुत अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, कुछ पूछना हो नहीं समझ में आया नीचे कॉमेंट में पूछें, और मेरी तरफ से मकर संक्रांति की एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आवाज जो भी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।